गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे टू और मैं हूँ इस टाइम पे हिंदुस्तान की एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे जहाँ से दिखता है एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनुषकोड़ी की, जो कि है रामेश्वरम की, और यहाँ था वो राम सेतु। वेलकम टू रामेश्वरम। मैं हूँ इस टाइम पे बिल्कुल एंड में इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे, और बिल्कुल ठीक सामने है श्रीलंका। यहाँ से नज़र नहीं आता श्रीलंका। देयर आर टू रीजंस। उसका रीज़न ये है कि जो इंडिया है वो थोड़ा सा ऊपर है हाइट में और श्रीलंका थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए श्रीलंका का व्यू यहाँ से नज़र नहीं आता। लेकिन अभी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से श्रीलंका का एक रात के टाइम पे लाइट हाउस होता है एक, जो दिखाई देता है यहाँ से, तो वो रात को चमकता है और वो आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से करीब करीब श्रीलंका का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, और दिस इज द वाइब्स, द राम सेतु। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप किसी भी तरीके से पहुँच सकते हो। आप एक ऑटो भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया था। ऑटो लिया, उसने पैसे लिए 700 रुपये, और वो मुझे रामेश्वरम मंदिर से, सिटी से यहाँ तक लेकर आया और वापस लेकर जाएगा, जिसका करीब करीब 40 किलोमीटर्स होता है अप एंड डाउन। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरे इस साइड है दिस इज़ द इंडियन ओशियन, और जो मेरे इस साइड है दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल ओशियन है। और कहा जाता है कि जो इंडियन ओशियन है वो एक मेल है और जो बंगाल ओशियन है वो एक फीमेल है, और उन दोनों का संगम होता है यहाँ पे आके। में यहाँ पे आई थी एक सुनामी, जिसकी वजह से ये पूरा रामेश्वरम बह गया था, डूब गया था, और उसके बाद ये सिटी दोबारा से डेवलप हुई, दोबारा से बनाई गई, और तब से लेकर आज तक ये एक बहुत प्राइम लोकेशन मानी जाती है हमारे देश की, क्योंकि राम सेतु यहाँ पे है। साइड एक वो पॉइंट है जहाँ पे लोग काफ़ी अंदर तक जा रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं समुंदर वगैरह को। और एक चीज़ और है कि राम सेतु जो है वो नज़र नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि 1964 में जब सुनामी आई थी, तब वो जो सेतु था वो पानी की काफ़ी अंदर चला गया, तो वो नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। तो उसको देखने के लिए इसमें चाहिए हाई लेवल सेटेलाइट कैमराज, जो कि ऊपर से दिखाई देते हैं। तो अभी मैं आ पहुंचा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पे, और मेरे पीछे है एक ये चर्च। ये 1964 का चर्च है जो उस सुनामी से पहले था, और जब वो सुनामी आई तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, यहाँ पे बहुत चीज़ें डूब गई थी पानी में, लेकिन ये चर्च सरवाइव कर गया था। तो अब भी मैं जा रहा हूँ इस चर्च के आसपास, देखता हूँ क्या है। अबैंडन्ड चर्च है, कुछ है नहीं इसमें, पर लेट्स सी क्या क्या हम यहाँ देख सकते हैं।
इतना ब्लू वाटर आपको इतनी इजीली हिंदुस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, पर यस, मैं किसी बाहर कंट्री में नहीं हूँ, मैं हूँ अपने देश रामेश्वरम में, और आप देख सकते हो ब्लू वाटर, प्योर ब्लू वाटर यार, और बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जरूर टाइम निकालो और रामेश्वरम जरूर आओ, अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर आओ। तो मेरे इस साइड पर है ये रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है जो 1964 के सुनामी में बर्बाद हो गया था। तो पहले ये वाला रेलवे स्टेशन हुआ करता था, उसके बाद बनाया गया वो दूसरे वाला रेलवे स्टेशन। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं धनुषकोडी, और जहाँ पे राम सेतु है उस जगह का नाम है अरिचल मुनय। अगर यहाँ से देख सकते हैं वो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर है। तो जो आप ऑटो हायर करते हो सिटी से या जो भी आप ट्रांसपोर्ट हायर करते हो वो आपको सीधा उस पॉइंट तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा आप शेयरिंग ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, तो बहुत सारे शेयरिंग ऑप्शन भी है। तो डिपेंड अपॉन योर बजट कि आप कैसे ट्रैवल करना चाहते हो, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो यहाँ से करीब है 4.5 किलोमीटर वो धनुष राम सेतु का पॉइंट, और जहाँ पे ये अबेंडन चर्च और रेलवे स्टेशन है ये है जगह वो धनुषकोडी। थैंक यू। तो ये यार हमारे नॉर्थ इंडिया वाले तो करते नहीं ऐसे। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पानी पीते हो नारियल का, तो उसके बाद ये उसको तोड़ कर ना इसके अंदर से जो हार्ड पोर्शन होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ये बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको दे कॉल इट मलाई, और उसके बाद इसको अलग करके आपको देते हैं, आप इसको खा सकते हो, आपके खाने का काम भी आता है। तो अगर आपको भूख लग रही है पहले आप नारियल पानी पियो और उसके बाद इसको आप इजीली खा सकते हो। तो ये है वो जगह जहाँ पे है विभीषण का मंदिर, जो कि रावण के छोटे भाई थे विभीषण, उनका मंदिर है इस जगह पे। जब रावण को मारा था श्री राम ने, उस लड़ाई के बाद इसी जगह पे उनका राज्याभिषेक किया गया और उनको लंका का राजा बनाया गया था। तो ये है वो मंदिर। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं कई जगहों पे आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, सिर्फ बाहर से ही दिखा सकता हूँ। तो वर्चुअल ट्रिप ऐसे ही कर सकते हो आप। तो रामेश्वरम का मेरा ये सफ़र हो चुका है यहीं पे समाप्त। मेरा साउथ इंडिया का ट्रैवल अभी भी कंटिन्यू है, और आपसे होगी मुलाकात अब बहुत जल्दी एक और नए शहर में। और शायद अगला शहर मेरा है कन्याकुमारी, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, तो देखता हूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगा, क्या करता है वहाँ पे, क्या क्या देखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा अपने अगले ब्लॉग में।